Hello students, in today's session we will be looking into the words which I have taken from the Hindu newspaper. The video will immensely help you in improving your vocab section, and by watching this video you can learn some new words every day, and also that words are from the Hindu newspaper, which is very much recommendable by any famous person or any buddy to whom you will be asking some guidance or how to prepare for any competitive exams and how to score much more marks in any reading comprehension section. So in a nutshell, you have to have a very good command over vocab section, and in order to have that, you must learn some new words every day. So it will just take 5 minutes of yours and you will be known to some new words. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is unscathed. It means without suffering any injury, damage or harm. Means bina kisi harm ke, bina kisi dikkat ke, bina kisi aapko chot lage hue, aap kisi cheez ko hasil karte ho. For example, it was strange how the fire destroyed most of the city but left the church unscathed. ये बहुत ही अजीब सी बात है कि जो आग लगी थी पूरी सिटी में बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया, बट चर्च को कुछ भी अफेक्ट नहीं किया. मीन्स चर्च बिना किसी इंजरी या फिर सफरिंग्स के बच गया. सिनोनिम्स हैं इंटैक्ट, सेफ, अनस्कैर्ड, सिक्योर. एंटोनिम्स हैं हर्ट, इंजर्ड, हार्म्ड, वोंडेड. नेक्स्ट वर्ड इज earnest. It means characterized by a firm, humorless belief in one's opinion. Means किसी भी इंसान को, means कोई भी इंसान इतना अच्छा काम करता है कि आप उस पर trust करते हो. आपको पता है कि हाँ, उस इंसान को उस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा knowledge है, या फिर वो इंसान उतना उस काबिल है. For example, he was a very earnest young man. वो एक बहुत ही sincere और बहुत ही अच्छा इंसान था, और वो भी बहुत ही कम एज में. सिनोनिम्स हैं ईगर, अर्जेंट. एंटोनिम्स हैं फ्रिजिड, इनडिफरेंट. नेक्स्ट वर्ड इज डेनिजन. इट मीन्स अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. मीन्स कोई इंसान या फिर जानवर या फिर पौधा या पेड़ जो एक जगह पे मिलता है, जैसे लोकेलिटी वाइज, मीन्स कोई कंट्री वाइज, जैसे हर रीजन में कोई पेड़ बड़े नहीं हो सकते, तो हर रीजन के अकॉर्डिंग जैसे इंसान अलग अलग होते हैं, पेड़ों का स्पीशीज भी अलग अलग होता है और जानवर भी अलग अलग मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर ऑफ अलांटर्स लेटेस्ट गाइड बुक इज़ अ लॉन्ग टाइम डेनिजन ऑफ द सिटी हु नोज ऑल द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. जो अटलांटा का गाइड बुक जिसने लिखा है, उसको वो वहाँ का लोकलाइट है, तभी उसे उस जगह के बारे में सब कुछ पता है. सिनोनिम्स हैं इनहैबिटेंट, ऑक्यूपेंट, रेसिडेंट, टीनेंट. एंटोनिम्स हैं विजिटर, एमिग्रेंट, इवैक्यूई, एक्सपैट्रिएट. नेक्स्ट वर्ड इज डिक्री. इट मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ. मीन्स ऐसा चीज जिससे आप कोई भी लॉ को बनाते हो. मीन्स जैसे अगर मान लो किसी हायर अथॉरिटी ने कुछ रूल बनाया है, तो सबको, पूरे कंट्री में और सबको फॉलो करना पड़ता है, तो डैट इज़ कॉल्ड हुक्मनामा, हुक्मनामा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रेसिडेंट साइन द डिक्री ऑन इक्वल राइट्स, एवरीवन इन द ऑडियंस चीयर्ड. जैसे ही प्रेसिडेंट ने एक लॉ पे साइन किया कि हाँ, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, तो सारे जितने भी वहाँ पे लोग थे सब खुश हो गए. सिनोनिम्स है डायरेक्टिव, रेजोल्यूशन, वर्डिक्ट, डिक्टम. एंटोनिम्स है अपील, एंट्रीटी, पिटीशन, प्ली. नेक्स्ट वर्ड इज पैरिश. इट मीन्स टू डाई, स्पेशली इन एन एक्सीडेंट और बाय बीइंग किल्ड और टू बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स मरना, किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर कोई किसी ने आपको मार दिया या फिर बर्बाद कर दिया, तबाह होना. फॉर एग्जाम्पल, 300 पीपल पैरिश्ड इन द अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आया था तो 300 लोग मर गए. सिनोनिम्स हैं वैनिश, विथर. एंटोनिम्स हैं अपीयर, अराइव. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर. इट मीन्स अ स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट और एब्सेंट. मीन्स ऐसा टाइम जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपने सारा होप अपना, जितना भी आपके आशा और आपका होप है, वो सब कुछ आप भूल चुके हो. मीन्स ख़त्म हो चुका है.
For example, to her teacher's despair, Nicole never does the work that she's told to do. उसके टीचर को ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था, उसने होप ही छोड़ दिया था उसके टीचर ने, क्योंकि जो भी वो निकोल को बोलती थी होमवर्क करने के लिए वो कभी नहीं करती थी. Synonyms are misery, pain, antonyms are joy, peace. So guys, that's it for today and we'll be back with some more words in my next video. So till then, goodbye and thank you, and please subscribe to my channel and do like this video. Thank you.